बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान होती है, लेकिन आज की रेसिपी की खास बात यह है कि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाने हैं। तो आगे ईद आ रही है तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआओं में रहेंगे हमेशा। नमकीन गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें हम डाल देंगे 1.5 किलो के करीब बीफ। यहाँ पे मैंने मिक्स बीफ यूज़ किया है, जिसमें चर्बी भी है, हड्डियाँ भी हैं और गोश्त भी है। नमकीन गोश्त में हमेशा मिक्स ही गोश्त अच्छा लगता है, अकेला बोनलेस हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। ये छोटे वाली चाय की चम्मच मैंने ली है, ये मैंने पूरी इसके अंदर नमक ही ऐड की है। 1 गिलास हम भर के इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको अब हम कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको वेट लगाएंगे, तो 20 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे इसको वेट लगाएंगे। याद रहे कि टाइम आपने वेट हिलने के बाद नोट करना है, उससे पहले नोट नहीं करना है। तो इसको वेट लगा देते हैं हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर इसको वेट लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसका वेट उठा देंगे, सारी स्टीम निकलने देते हैं। स्टीम सारी यहाँ पर निकल चुकी है, तो हम इसका ढक्कन उठाते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जूसी सा नमकीन गोश्त ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, लेकिन अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, मॉइस्चर है, हम इसको ड्राई करेंगे। उसके लिए मैंने फ्लेम को दोबारा से ऑन किया है। दोबारा से हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके पानी को अच्छे से खुश्क करेंगे। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसके किनारों से ऑयल सा निकलना स्टार्ट नहीं हो जाता है गोश्त से, और इसका पानी जो है वो सारा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक। तो इसको हम भून लेते हैं। यहाँ पे नमकीन गोश्त का सारा पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और बहुत ही जूसी सा हमारा नमकीन गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। दिखने से कितना टेस्टफुल लग रहा है। तो ये भी मज़ेदार सी नमकीन गोश्त की रेसिपी, दिखने से बहुत खूबसूरत लग रहा है, और जहाँ तक बात है जायके की तो आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस से आप ये बनाएंगे ईद पे, उतना ही ये टेस्टफुल बनेगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।